नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 54 साल के अब्दुल्ला ने दूसरी बार जम्मू कश्मीर की कमान संभाली। इससे पहले 2009 में कांग्रेस जम्मू कश्मीर गठबंधन में भी उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। मंगलवार को उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उमर समेत 6 विधायकों ने शपथ ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद अहमद डार, सकीना इट्टू, जावेद राणा ने मंत्री पद की शपथ ली है। सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम होंगे। 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए करीबन 10 साल बाद चुनाव कराए गए। इसमें फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में बहुमत हासिल किया। इसके अलावा कुछ निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दिया। 10 साल बाद फिर अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर की सत्ता में वापस आया। जम्मू कश्मीर के गठन के बाद ज्यादातर सरकारें परिवारों ने ही चलाई हैं। इनमें अब्दुल्ला परिवार भी है, जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने राज्य को कई बार मुख्यमंत्री दी है। तो आइए जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला की शिक्षा से राजनीतिक करियर तक के बारे में। 10 मार्च 1970 को जन्मे उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला और दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के घर से हैं। उमर की शुरुआती पढ़ाई श्रीनगर के बर्न हॉल स्कूल में हुई है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के सनावर के लॉरेंस स्कूल में पढ़ाई की है। उमर ने मुंबई के एक कॉलेज से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। ग्रेजुएशन के दिनों में उमर अब्दुल्ला एनसीपी नेता शरद पवार के घर रहते थे। ग्रेजुएशन के बाद उमर ने स्कॉटलैंड के स्ट्रेट क्लाइड विश्वविद्यालय से व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। राजनीतिक परिवार से संबंध होने की वजह से उमर का बचपन से ही राजनीति के प्रति झुकाव रहा है। उमर अब्दुल्ला ने 1998 में 28 वर्ष की आयु में पहली बार लाल चौक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। 12वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद के रूप में अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1998 से 1999 में वो परिवहन और पर्यटन समिति और पर्यटन मंत्रालय की समिति दोनों के सदस्य थे। 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए फिर चुने गए, जिसमें उन्होंने वाजपेयी सरकार द्वारा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया। 2001 में उन्हें केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री बनाया गया और वे सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री थे। 1998 से 2009 के बीच वो श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। उमर अब्दुल्ला 38 साल की उम्र में 2009 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। वो जम्मू कश्मीर राज्य के 11वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे। उनका कार्यकाल राजनीतिक आंदोलन और सुरक्षा मुद्दे जैसे कई चुनौतियों से भरा था। वर्तमान में उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष हैं। 2024 में बारामुल्ला संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। वहीं 2024 के विधानसभा चुनाव में गांदरबल और बडगाम से चुनाव लड़ा और दोनों सीट पर जीत हासिल की। बता दें कि उमर की शादी 1994 में पायल नाथ से हुई थी, लेकिन 2011 में वो अलग हो गए। उनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम जाहिर और जमीर है। उनकी छोटी बहन सारा की शादी सचिन पायलट से हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।